सत श्री अकाल, मैं हां नेहा शर्मा ते तुसी वेख रहे प्रवासी टीवी बुलेटिन दी शुरुआत करदे हां अज दी मुख खबरां दे नाल। बलबीर सिंह राजेवाल समराला तो लड़नगे चोण, संयुक्त समाज मोर्चे वालों 10 उम्मीदवारां दे नावां दा ऐलान। केजरीवाल ने मोहाली पहुंच के कीते कई होर वादे, कहा पंजाब च आप दी सरकार बनी तां बेअदबी दे दोषियां नूं देंगे सजा। मजीठिया कोलों सिट ने कीते पुछगिछ, कहा विशेष जांच टीम नूं दित्ता पूरा सहयोग। भारत दीआं कई वड्डीआं हस्तियां भी कोरोना दी लपेट च, राजनाथ नड्डा, लता मंगेशकर अते कैप्टन अमरिंदर नूं भी होया कोरोना। हुण खबरां विस्तार दे नाल। संयुक्त समाज मोर्चे ने लुधियाणा विच प्रैस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब विधानसभा चोणां लई 10 उम्मीदवारां दे नामां दी पहली सूची जारी कर दित्ती है। इस सूची अनुसार बलबीर सिंह राजेवाल नूं हलका समराला तो चोण मैदान विच उतारिया गया, इस तरह रवनीत बराड़ नूं मोहाली तो अते प्रेम सिंह भंगू नूं हलका घनौर तो टिकट दित्ती गई है। इस दे चलदिआं हरजिंदर सिंह टांडा खडूर साहिब तो, डॉक्टर सुखमनदीप सिंह तरन तारण तो, अजय कुमार फलौर तो, बलराज सिंह ठाकर कादियां तो, राजेश कुमार करतारपुर तो, रमनदीप सिंह जैतो तो अते नवदीप संघा मोगा विधानसभा हलके तो संयुक्त समाज मोर्चे दे उम्मीदवार होणगे। जिक्रयोग है कि 22 किसान जथेबंदियां ने मिलके संयुक्त समाज मोर्चा नाम की पार्टी बनाई है अते पार्टी ने पंजाब दीआं सारीआं 117 विधानसभा सीटां उत्ते चोण लड़नी है। जिक्रयोग है कि आउंदी 14 फरवरी नूं पंजाब विच विधानसभा लई वोटां पैणियां हन। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखी अरविंद केजरीवाल कोरोना वायरस को मात देने तो बाद अज अपने 2 दिन पंजाब दौरे लिए मोहाली पहुँचे, जिथे उन्होंने एक प्रैस कानफ्रेंस को संबोधन किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद बेअदबी के दोषियों सख्त तो सख्त सजावं दित्तियां जाणगियां तां जो मुड़ बेअदबी की घटना ना वापर सके। केजरीवाल ने टिकटां बेचण दे मामले उत्ते बोलदिआं कहा कि सियासी रंजत दे तहत विरोधी पार्टियां वल्लों उन्हां उत्ते इस तरह दे इल्जाम लगाए जा रहे ने, परंतु इस गल नूं कोई साबित करके दिखावे। देखो जी, 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 से लेके आज तक इस देश में ढेरों पार्टियां आई। मैं ये पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि तब से लेके आज तक देश की सबसे ईमानदार पार्टी अगर कोई है, आज की नहीं कह रहा, 1947 से लेके आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। हमारे यहां टिकटें ना बेची जाती हैं ना खरीदी जाती हैं। एक भी टिकट बेची नहीं गई है। अगर आप साबित कर दें, कोई साबित कर दे, सबूत देके कोई साबित कर दे कि फलाने फलाने आदमी ने टिकट बेची और फलाने फलाने आदमी ने टिकट खरीदी, 24 घंटे के अंदर दोनों को मैं पार्टी से निकाल दूंगा। और केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये साबित हुआ, उन दोनों को जहन्नुम तक मैं पीछा करूंगा उन दोनों का, उनको छोड़ने वाला नहीं है, जेल भिजवा के रहूंगा अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी तो। दूसरी बात, ये फैशन चल गया है, सच्चाई का रास्ता कांटों भरा होता है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो ना तो लोग कीचड़ फेंकते हैं आपके ऊपर। ये सारी पार्टियां हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रही हैं, तरह तरह के लोग कीचड़ फेंक रहे हैं, टिकटें बेच दी। अगर किसी ने आम आदमी पार्टी पे गलत आरोप लगाया, उलझलूल आरोप लगाया, उसको भी छोड़ने वाले नहीं हम। किसान जथेबंदियों वालों बनाई गई पार्टी संयुक्त समाज मोर्चे नाल गठजोड़ नूं लैके केजरीवाल ने कहा कि सीटां दी वंड नूं लैके उन्हां नाल साडा तालमेल नहीं बैठिया, जिस करके गठजोड़ दी गल सिरे नहीं चढ़ सकी। इस मौके केजरीवाल ने कहा कि इस बार पंजाब अंदर आम आदमी पार्टी दी सरकार बनेगी, जिस तो बाद असीं पंजाब नूं विकसित अते खुशहाल बनाउण लई 10 सूत्री पंजाब मॉडल तैयार किया है। असीं मिल के अजिहा पंजाब बनावांगे कि रुजगार लई विदेशां च गए पंजाबी नौजवान 5 सालां च अपने देश परत आउणगे। पंजाब विधानसभा चोणां लई मुख मंत्री चेहरे संबंधी बोलदिआं केजरीवाल ने कहा कि इस दा ऐलान अगले हफ्ते कर दिता जाएगा।
श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू और साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया अज नशा तस्करी के मामले में विशेष जांच टीम अगे पेश होए। हाईकोर्ट वालों अगाऊ जमानत मिलने तो बाद मजीठिया अज अपने वकीलों नाल पंजाब पुलिस के स्टेट क्राइम ब्यूरो थाना मोहाली विच पहुंचे। इस दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया ने कुछ घंटिया की पुछ पड़ताल तो बाद थाने दे बाहर मीडिया को दावा किया कि उन्हां वालों सिट नूं जांच विच पूरा सहयोग दिता गया है। उन्हां दे पूरे तसल्ली बख्श उन्हां नूं जवाब दिते और उन्हां नूं ये भी रिक्वेस्ट कीती कि ये जिहड़ी FIR होई है ये सारी तुसीं जानदे हो कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने ये ऑर्डर किए सी। वह 20 दिन के कल्ले DGP रहे और इस तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू दे बयान जिदे च उन्होंने आप कहा कि हाँ चट्टोपाध्याय नू मैं लवाया, AG नू मैं बदलाया, मैं ये भी SIT नू रिक्वेस्ट की कि जिथे PPCC कांग्रेस के प्रधान के बयान या सुखी रंधावे के बयान होम मिनिस्टर के मेरे खिलाफ की वो मेरे प्रति नफरत रखते हैं या चन्नी साहब दे ये जरूर सारी गल नू भी SIT विचारे कि FIR जिहड़ी दर्ज होई है उहदे सारे केसा दे ट्रायल कोर्ट ने करते है 19 च फैसले आ गए जेड़े बरी होने सी उन्हां नू बरी करता जिन्हां नू सजा होनी सी सजा होगी। सो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट दे फैसलिया तो बाद ये परचा दर्ज होना की है सियासी करन ता नहीं। मजीठिया ने कहा कि चोणां नेड़े आउंदियां देख के पंजाब सरकार ने उस विरुद्ध झूठा केस दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि जांच टीम वालों केस बारे जो कुछ भी पूछा गया उसका सही जवाब दिता गया है। दोबारा जांच टीम अगे पेश होने संबंधी मजीठिया ने कहा कि पुलिस जदों बुलाएगी वह जरूर हाजिर हो जाएंगे। मजीठिया खिलाफ पिछले दिनी मोहाली दे Phase 4 स्थित पंजाब पुलिस दे स्टेट क्राइम थाने विच केस दर्ज किया गया सी। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस और बलविंदर सिंह बैंस विधानसभा चोणों तो पहला भारतीय जनता पार्टी नाल गठजोड़ कर सकते हैं। लुधियाणा के आत्मनगर और लुधियाणा साउथ तो चोण लड़न वाले बैंस भरावां दी गठजोड़ नूं लैके भाजपा नाल गलबात लगभग तय मनी जा रही है। इस संबंधी ऐलान वह 15 जनवरी तो बाद एक वड्डी रैली करके कर सकते हैं। बैंस भरावां नाल गठजोड़ तो बाद भारतीय जनता पार्टी आत्मनगर लुधियाणा साउथ अते गिल विधानसभा हलके तो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। बाकी थावां उत्ते बैंस भरावां वल्लों भाजपा का समर्थन किया जाएगा। फिलहाल यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी कि बैंस भरावां नूं लुधियाणा च किन्नियां सीटां दित्तियां जाणगियां, परंतु यह गल साफ हो गई है कि आत्मनगर तो सिमरजीत सिंह बैंस, लुधियाणा साउथ तो बलविंदर सिंह बैंस अते गिल विधानसभा हलके तो गगनदीप सिंह कैंथ नूं चोण मैदान विच उतारिया जाएगा। पंजाब विधानसभा चोणां नूं लैके भावें चोण जाबता लग चुकिया है, परंतु पंजाब कांग्रेस च पैदा होया कलेश रुकण दा नां नहीं लै रहा। अज श्री आनंदपुर साहिब तो संसद मैंबर मनीष तिवाड़ी वल्लों कीते गए ट्वीट ने पंजाब कांग्रेस च खलबली मचा दित्ती है। तिवाड़ी ने ट्वीट करदिआं लिखिआ कि पंजाब नूं अजिहे मुख्यमंत्री दी लोड़ है जिस कोल पंजाब दीआं चुनौतियां दा हल होवे अते सख्त फैसले लैण दे समर्थ होवे। उन्हां अगे लिखिआ कि पंजाब नूं गंभीर लोकां दी लोड़ है। तिवाड़ी ने इस ट्वीट राही जिथे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं निशाना बनाया उत्थे ही उन्हां पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी निशाने उत्ते लिया। पंजाब विधानसभा चोणां बिल्कुल सिर उत्ते आ चुकियां ने अते चोण अखाड़ा भी पूरी तरह भख चुकिया है। पंजाब विधानसभा चोणां तो पहला मनीष तिवाड़ी वल्लों यह ट्वीट करके कांग्रसी आगूआं नूं नसीहत दे के कांग्रेस दे भले लई सोचा है, परंतु धड़ेबंदी दा शिकार हो चुकी पंजाब कांग्रेस इस ट्वीट तो बाद होर वंडी जाएगी।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ ਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਰਣਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਰੋਪੜ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ 4 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੀਰਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੜਾਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਭੜਾਨਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰ ਐੱਲ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੜਾਨਾ ਗੁੱਜਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੀ ਜੇਵਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਓ ਬੀ ਸੀ ਆਗੂ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਆਈਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ The fact is that they obviously were under instructions and they were scared. Take this on record. I think it's important. I think the senior bureaucracy and the police office were scared. They dared not tell the political executive that, sir, this is not to be done. They lacked the courage of conviction of their commitment to the service. They lacked it. Had they been strong and... ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ ਆਦਿ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ
बलबीर सिंह राजेवाल समराला तो लड़नगे चोण। संयुक्त समाज मोर्चे वालों 10 उम्मीदवार के नावों का ऐलान। केजरीवाल ने मोहाली पहुंच के किए कई होर वादे, कहा पंजाब च आपकी सरकार बनी तो बेअदबी के दोषियों नूं देंगे सजा। मजीठिया कोलों सिट ने किए पुछगिछ, कहा विशेष जांच टीम नूं दिता पूरा सहयोग। भारत दीआं कई वड्डीआं हस्तियां भी कोरोना की लपेट च, राजनाथ नड्डा, लता मंगेशकर अते कैप्टन अमरिंदर नूं भी होया कोरोना। फिलहाल अज दे बुलेटिन दे विच इन्ना ही, होर खबरां लई वेखदे रहो प्रवासी टीवी। मैं दे इजाजत, धन्नवाद।